नरेंद्र मोदी से मेरा पहला परिचय साल 2006 और 7 में हुआ, जब मैं कोई 6 से 7 में पढ़ता था। मुझे अच्छे से याद है, घर पर टीवी चल रही थी, प्रवीण तोगड़िया राम मंदिर के लिए अयोध्या में कोई पैदल यात्रा निकालना चाहते थे और तब की उत्तर प्रदेश सरकार ने धारा 144 लगा दी थी। राजनीति की समझ तो उस उम्र में क्या ही थी, लेकिन मैंने कहा कि ये सब राजनीति के लिए कर रहे हैं। मैंने टीवी से न्यूज हटाने के लिए कहा, उसी दौरान मोदी का जिक्र आया। किसी ने मोदी का नाम लेते हुए कहा कि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा रक्षक है, इसी की वजह से हिंदू बचे हुए हैं। गुजरात में जब दंगे हुए तो इसने मुसलमानों को कटवा दिया था। नरेंद्र मोदी और उनके काम से मेरा पहला परिचय ऐसे हुआ था। आप में से शायद कुछ लोग शायद इस स्मरण पर यकीन भी ना करें, लेकिन आम हिंदुओं में उनका पहला परिचय ऐसे ही होता है कि मुस्लिमों को मरवा दिया था। मुसलमानों में भी अगर किसी का मोदी से पहला परिचय होता होगा तो ऐसे ही होता है कि इन्होंने हजारों मुसलमानों को गुजरात में मरवा दिया था, कटवा दिया था, जला दिया था। दोनों ही धर्मों में मोदी की ये इमेज प्रचलित है, लेकिन अदालतों को ऐसा नहीं लगता। अदालतें और जांच एजेंसियां कहती हैं कि पर्याप्त सबूत नहीं मिलते कि माना जाए कि गुजरात दंगों में मोदी का हाथ था। इस तरह गुजरात दंगों के मामले में मोदी पर कोई केस चलाए बिना ही उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोदी पर लगे उन तमाम सबूतों की, उन आरोपों की, जिनके आधार पर कहा जाता है कि गुजरात दंगों में होने वाली हजारों हत्याओं में न केवल मोदी की भूमिका थी और न केवल पूरा पुलिस प्रशासन, मंत्रालय, अधिकारियों ने मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ दिया, बल्कि न्याय प्रक्रिया को भी ऐसे अरेंज किया गया कि मोदी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को अदालतों में बाइज्जत बरी कर दिया जाए। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। गोधरा कांड और बाद में हुए गुजरात दंगों को लेकर तीन बड़ी जांचें हुई। एक नानावती आयोग द्वारा की गई जिसे कि राज्य ने नियुक्त किया, और एक यूसी बनर्जी द्वारा की गई जिसे कि केंद्र द्वारा गठित किया गया। तीसरी जांच एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल यानी सिटीजन ट्रिब्यूनल ने की। इसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर लीड कर रहे थे। इसमें जजों के अलावा कुछ एक्टिविस्ट भी थे। केंद्र की यूसी बनर्जी समिति और सिटीजन ट्रिब्यूनल दोनों ने ही गोधरा कांड को महज एक दुर्घटना माना। इसके बारे में मैंने विस्तार से गोधरा का सच पार्ट वन में बात की है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों रिपोर्टों के बाद गोधरा के सच की पड़ताल के लिए मैंने नानावती कमीशन की रिपोर्ट टटोली। हालांकि नानावती कमीशन को गुजरात सरकार ने ही नियुक्त किया था और उसकी रिपोर्ट पर खुद मानवाधिकार आयोग ने भी सवाल उठाए थे, उस पर मिनिमम विश्वास करते हुए भी मैंने नानावती आयोग की वो प्राइमरी रिपोर्ट पढ़ी जो उसने साल 2008 में जारी की थी। इस रिपोर्ट में जिन गवाहों के आधार पर कहा गया कि गोधरा कांड एक साजिश थी, वो गवाह भी बाद में अपने बयान से पलट गए। जिस मौलवी हुसैन उमर जी को नानावती आयोग की इस रिपोर्ट ने मास्टरमाइंड माना था, उसे भी बाद में अदालत ने निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया था। नानावती आयोग के बारे में आगे चर्चा कहने से पहले एक और घटना का जिक्र करना जरूरी है। दरअसल जीटी नानावती सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार बनी तो उन्होंने जीटी नानावती को ही सिख दंगों की जांच के लिए नियुक्त किया था। यानी जिस नानावती कमीशन ने गुजरात दंगों की जांच की थी, उसी ने सिख दंगों की भी जांच की थी और सिख दंगों में कांग्रेस के नेताओं के हाथ होने का दावा किया था। नानावती आयोग ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार जैसे नेताओं को सिखों के खिलाफ दंगे भड़काने का आरोपी ठहराया था। लेकिन कमाल की बात है कि जिस नानावती आयोग ने 1984 में हुए सिख दंगों की जांच के लिए न केवल कांग्रेस नेताओं से पूछताछ की, बल्कि दो पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और आई के गुजराल से भी सिख दंगों के सिलसिले में पूछताछ की। लेकिन कमाल की बात है कि गुजरात दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप भी लगे, लेकिन एक बार भी नानावती आयोग ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, एक बार भी समन नहीं भेजा और बिना पूछताछ के ही, बिना क्रॉस चेक किए ही, बिना सवाल जवाब के ही मोदी को क्लीन चिट दे दी। नानावती कमीशन में दो सदस्य थे, एक तो खुद जस्टिस जीटी नानावती और दूसरे थे जस्टिस केजी शाह। जब मार्च 2008 में जस्टिस केजी शाह की मृत्यु हो गई तो उनकी जगह रिटायर्ड जज जस्टिस अक्षय मेहता को आयोग के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन्हीं जस्टिस अक्षय मेहता ने बाबू बजरंगी को जमानत भी दी थी। बाबू बजरंगी गुजरात बजरंग दल का नेता है। ये गुजरात दंगों के नरोदा पाटिया मामले का मुख्य अपराधी था। साल 2012 में स्पेशल कोर्ट ने भी बाबू बजरंगी को नरोदा पाटिया नरसंहार का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी थी।
खुद बाबू बजरंगी ने तहलका मैगजीन के एक स्टिंग ऑपरेशन में कबूल किया कि नरोदा पाटिया में मुस्लिमों की हत्याएं की, उनके घरों में गैस सिलेंडर से बम ब्लास्ट किए। यहाँ नरोदा पाटिया नरसंहार का जिक्र करना जरूरी है। जब गोधरा कांड हुआ तो उसी शाम विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। अगले दिन गुजरात बंद के दौरान ही अहमदाबाद के नरोदा पाटिया में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की भीड़ पहुंच गई। नरोदा पाटिया के लोगों का गोधरा कांड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, सिवाय इसके कि वे मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते थे। ये मुस्लिम प्रवासियों की बस्ती थी जिसमें अधिकतर गरीब मजदूर रहते थे, जिनका काम मजदूरी था और अपने बच्चों को पालना था। लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की भीड़ ने इन बेगुनाह मुस्लिम मजदूरों की बस्ती पर हमला कर दिया और एक दो लोग नहीं बल्कि कुल 150 से अधिक लोग मारे गए। तहलका मैगजीन के स्टिंग ऑपरेशन में एक गवाह ने एक कुएं को दिखाते हुए बताया कि इन गुंडों ने मुस्लिमों को जला जला कर इस कुएं में फेंक दिया। अधिकतर महिलाएं थीं। सरकारी आंकड़ों की ही बात करें तो सुबह करीब 9 बजे से शुरू हुआ ये नरसंहार शाम करीब 8 बजे तक चलता रहा। इस दौरान महिलाओं के रेप किए गए, वो भी सबके सामने, और इन्हीं रेप पीड़िताओं को रेप करने के बाद वहीं जिंदा जला दिया गया और कुएं में फेंक दिया गया। इस नरसंहार में कुल 97 मुस्लिमों की हत्या कर दी गई। इनमें से 36 महिलाएं थीं, 35 छोटे छोटे बच्चे थे और 26 पुरुष थे। नरोदा पाटिया मामले पर ह्यूमन राइट्स वॉच नाम के एक इंटरनेशनल एनजीओ ने भी ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट की। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक रिपोर्ट में एक मास ग्रेवयार्ड का जिक्र किया है जो कि नरोदा पाटिया के शाहीबाग में ही है, जिसका नाम दरिया खान घुम्मट कैंप है। उसी जगह पर ये ग्रेवयार्ड स्थित है जिसमें कि गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद में मारे गए लोगों में से 61 लोगों को यहाँ पर एक साथ दफनाया गया था। इनमें 34 महिलाएँ और 27 बच्चे थे। इनमें से किसी का भी गोधरा कांड से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। इस कब्र के पास ही एक कब्र खोदने वाले शख्स ने ह्यूमन राइट वॉच को बताया कि करीब 3 महिलाएं ऐसी थीं जो गर्भवती थीं, जिनके पेट काटकर उनके भ्रूण निकाल दिए गए। अजन्मे बच्चे अपनी माँ के पेट से लटक रहे थे, उन्हें माँ के पेट से दोबारा सटाकर दफनाया गया। ये हालत नरोदा पाटिया की थी। पूरे 10 घंटे तक नरसंहार चलता रहा। पुलिस को कॉल पर कॉल किए जाते रहे, पुलिस की मौजूदगी में ही नरोदा पाटिया हुआ। इस नरसंहार के मुख्य आरोपी और बजरंग दल का नेता बाबू बजरंगी तहलका के स्टिंग ऑपरेशन में बड़ी ही शान से बता रहा है कि कैसे उसने मुस्लिम महिलाओं के पेट को चीरकर अजन्मे बच्चों को बाहर निकाल दिया। इस स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देता है और कहता है कि जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। पुलिस सामने खड़ी रही और हमने मुसलमानों की हत्याएं की, अगर मोदी ना होते तो हम ये कभी ना कर पाते। पुलिस इतनी अधिक थी कि हमें नरोदा पाटिया में घुसने भी नहीं देती। इतना सारा पुलिस फोर्स था लेकिन हमें रोका नहीं गया। बाबू बजरंगी ने यह भी कहा कि जब मुसलमानों का नरसंहार हो गया उसके बाद पुलिस कमिश्नर आया और बोला, मौतों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, मेरे लिए मुश्किल होगी, इसलिए लाशों को अलग अलग जगह भिजवा दिया गया और उन अलग अलग जगहों पर से उन्हें बाद में लाया गया और पोस्टमार्टम किया गया, ये दिखाने के लिए कि ये अलग अलग जगहों पर हत्याएं हुई हैं। बाबू बजरंगी ने एक और दावा किया कि जब कमिश्नर ने मेरे खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया तो मुझसे घर से भाग जाने के लिए कहा। नरेंद्र भाई ने मुझे माउंट आबू के गुजरात भवन में 4.5 महीने रखा। नरेंद्र भाई ने ही मुझे जमानत से बाहर निकलवाया, नहीं तो मैं जेल से बाहर ही नहीं निकल पाता। पहले जज ढोलकिया जी ने कहा था बजरंगी को फांसी पर लटकाना चाहिए और एक बार नहीं बल्कि 5 बार लटकाना चाहिए। फिर दूसरा जज आया और उसने भी कहा कि मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फिर नरेंद्र भाई ने मुझे मैसेज भेजा और कहा कि कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अगला जज अक्षय मेहता नाम का आदमी बना और उसने मेरी फाइल की तरफ देखा भी नहीं और मुझे जमानत दे दी और मैं जमानत पर बाहर आ गया। ये कहना था बाबू बजरंगी का। जिस जज यानी जस्टिस मेहता का नाम बाबू बजरंगी ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में लिया है, इन्हीं जज को नानावती आयोग में जस्टिस केजी शाह की मौत के बाद अप्रैल 2008 में नियुक्त किया गया और इन्हीं ने नरोदा पाटिया की जांच भी की, इसलिए इसे मेहता और नानावती आयोग भी कहा जाता है। और इसी आयोग ने लगभग 4 महीने बाद यानी सितंबर महीने में आयोग की पहली रिपोर्ट जारी की और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी। साथ ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को भी क्लीन चिट दी। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये बतानी है कि जिस दिन नरोदा पाटिया मामले में बाबू बजरंगी को सजा सुनाई गई उसी दिन एक महिला को भी इसी मामले में
28 साल की सजा सुनाई गई। और ये महिला कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि गुजरात दंगे की सबसे हाई प्रोफाइल अपराधी, इसका नाम था माया कोडनानी। नरोदा पाटिया मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस ज्योत्सना याग्निक ने आगे कहा कि ये दंगा अमानवीय, शर्मनाक और निर्संस था। इसमें 97 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें कि असहाय महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भी थे। इस निर्संस हिंसा का क्लाइमेक्स तब माना गया जब एक 20 दिन के छोटे से बच्चे की भी हत्या कर दी गई। नरोदा पाटिया मामला भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है, ऐसा फैसला सुनाते हुए जस्टिस ज्योत्सना याग्निक ने कहा। माया कोडनानी आरएसएस की महिला विंग से जुड़ी हुई हैं और उनके पिता भी आरएसएस से जुड़े हुए थे। जिस नरोदा पाटिया में महिलाओं के साथ पब्लिकली गैंग रेप किया गया था और उन्हें जिंदा जलाया गया था, उसी नरोदा पाटिया से माया कोडनानी 3 बार विधायक बनी। गुजरात दंगों से पहले हुए चुनाव में भी 75,000 वोटों से जीती थी, लेकिन जब दंगे हुए तो उसके बाद उसी साल हुए चुनावों में 1,10,000 के मत से जीती और साल 2007 में हुए चुनाव में और डबल होकर 1,80,000 वोटों के मार्जिन से विधायक बनकर आई। क्यों बनकर आई? इसके पीछे कोई विकास, स्कूल या हॉस्पिटल नहीं था, इसके पीछे दंगे में उनका खुला हाथ था। कोडनानी की भूमिका को मोदी के द्वारा भी सम्मानित किया गया और उन्हें महिला और बाल विकास मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस महिला विधायक पर आरोप हो कि उसकी उपस्थिति में महिलाओं के गैंगरेप किए गए, जिंदा जलाया गया, मासूम बच्चों की हत्या की गई, वो ही गुजरात सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालने के लिए चुनी गई। बाद में जब उन पर केस चला तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, अन्यथा कानून की नज़र में वे भी साल 2012 तक निर्दोष ही थी, जैसे कि मोदी आज तक निर्दोष हैं। क्योंकि SIT का मानना है कि सबूत ही नहीं मिले कि केस चलाया जाए। इसमें भी और मज़ेदार बात यह है कि जिस माया कोडनानी को ट्रायल कोर्ट ने दंगों की सरगना कहा और 28 साल की सज़ा सुनाई, उसे साल 2018 में गुजरात हाईकोर्ट ने पलट दिया और नरोदा पाटिया मामले में उन्हें बरी कर दिया। साथ ही बाबू बजरंगी की सजा उम्र कैद से घटाकर 21 साल कर दी गई और कोडनानी को बरी करते हुए अदालत ने कहा सबूत नहीं मिले, गवाह नहीं है कि उन पर विश्वास किया जाए। जबकि SIT, जिसने कि सबको मुक्त कर दिया, लेकिन माया कोडनानी के बारे में भी अपनी जांच में कहा कि जिस सुबह नरोदा पाटिया में नरसंहार हुआ, उसी सुबह करीब 9:30 बजे माया कोडनानी विधानसभा से आने के बाद नूरानी मस्जिद के पास पहुंची और गवाहों के अनुसार उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को मार डालो और इनकी संपत्ति जला डालो, और उन्हीं को गुजरात हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, पाइज्जत बरी कर दिया। कोडनानी पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुओं को भड़काया और मुस्लिमों पर नरसंहार करवाया, लेकिन कोडनानी ने अपनी सफाई में कहा है कि वे उस समय राज्य की विधानसभा को अटेंड कर रही थी, लेकिन उनके कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जिस वक्त नरोदा पाटिया में मुस्लिमों का नरसंहार हुआ, उस समय वे नरोदा में ही थी। यही बात गवाह कहते हैं। माया कोडनानी के खिलाफ बयान देने वालों में एक गवाह दिलदार उमराव ने कोर्ट में बयान दिया कि उसने माया कोडनानी को हथियार बांटते देखा। उमराव ने यह भी कहा कि उसे गवाही न देने के लिए पैसे देने की पेशकश की गई और कई बार हमले भी किए गए। बहरहाल मोदी की मंत्री माया कोडनानी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि गोधरा पर बात करते करते माया कोडनानी पर कैसे आ गए। गोधरा कांड की रिपोर्ट से माया कोडनानी पर आना मुद्दे से भटकना नहीं है, बल्कि एक बड़ी कड़ी से पहले उसके पीछे की छोटी छोटी कड़ियों को समझाना है। यहाँ एक और कड़ी है जिसे समझाने के बाद असली वाली कड़ी पर आऊँगा, जिसके लिए ये पूरी कहानी कही है। यह आपने जान लिया कि दंगों में माया कोडनानी का सीधे सीधे हाथ होने के बावजूद कोडनानी न केवल 2-2 बार विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ चुनी गईं, बल्कि जीत कर आईं और मोदी ने उन्हें प्रमोट भी किया और मंत्री भी बनाया। अब इसी नरोदा पाटिया पर आते हैं। जिस जोन में नरोदा पाटिया आता है, उस जोन के DCP थे PB गोंडिया। गोंडिया के वक्त ही नरोदा पाटिया में नरसंहार हुआ था। जैसे माया कोडनानी पर आरोप लगा था कि उन्होंने लोगों को दंगे के लिए उकसाया, वैसे ही SIT ने साल 2010 में जारी होने वाली अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में कहा कि गोंडिया मुस्लिमों के नरसंहार होने के दोषी हैं। उन्होंने मुस्लिमों पर नरसंहार होने दिया, इसके बावजूद उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन लेना तो दूर, प्रमोशन करके गोंडिया को सिविल डिफेंस का जॉइंट डायरेक्टर भी बना दिया गया। SIT ने कहा कि अगर गोंडिया ने जिम्मेदारी निभाई होती तो सैकड़ों मुसलमानों को बचाया जा सकता था। जब तक साल 2009 में जाकिया जाफरी मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और अधिकारियों की भूमिका की दोबारा से जांच करने के लिए एसआईटी का गठन नहीं किया था, तब तक इतनी हत्याओं और नरसंहार के बावजूद इन अफसरों को कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा गया। क्या ऐसा संभव है कि सैकड़ों लोगों को एक जगह जला दिया गया और 10 घंटे तक नरसंहार चला, महिलाओं के साथ खुलेआम गैंगरेप किए गए, उन्हें जला दिया गया और जलाने के बाद उन्हें कुएं में फेंक दिया गया, लाशें इतनी हो जाएं कि 4 ट्रकों में ले जानी पड़े, बावजूद इसके उस इलाके के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो और कोई सवाल नहीं हो, ये कैसे संभव है? एसआईटी के अनुसार डीसीपी गोंडिया नरोदा पाटिया से, जहां पर कि नरसंहार हो रहा था, वहां से 2:20 पर निकल गए, जबकि 2 नरोदा पाटिया की स्थिति भयावह और खतरनाक थी। वहीं वे इसके बाद 4 तक पास में गुलबर्ग सोसाइटी में हो रहे दंगों को रोकने के लिए भी नहीं पहुंचे, जबकि उनके सीनियर अधिकारी टंडन और पांडे उन्हें कॉल करते रहे। नरोदा पाटिया में जिस दिन माया कोडनानी पर दंगे कराने के आरोप हैं, उसी दिन की कॉल रिकॉर्ड निकालने पर एसआईटी को पता चला कि डीसीपी गोंडिया और माया कोडनानी के बीच में लगातार 3 तक बात हुई। यानी नरोदा पाटिया घटना के दिन सुबह 10:39 पर, जबकि नरोदा पाटिया की घटना सुबह 9 से ही शुरू हो चुकी थी, इस बीच माया कोडनारी और डीसीपी गोंडिया के बीच बात हुई और अगले 2 भी बात हुई। एसआईटी को कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि गुजरात विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी जयदीप पटेल की भी डीसीपी गोंडिया से 3 बात हुई, और उस दिन हुई जिस दिन की नरोदा पाटिया में नरसंहार हो रहा था। जयदीप पटेल गुजरात दंगों में भूमिका निभाने वाले सबसे प्रमुख लोगों में से एक हैं। गोधरा के कलेक्टर और नरेंद्र मोदी के साथ हुई उस मीटिंग में भी वे शामिल थे, जिसमें कि तय किया गया था कि कार सेवकों के शव को अहमदाबाद लाया जाएगा। गोधरा में जान गंवाने वाले कार सेवकों के शव भी जयदीप पटेल को सौंपे गए थे। इस बात को गुजरात दंगों में, खासकर अहमदाबाद में, एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा गया और माना जाता है कि कार सेवकों के शव को जानबूझकर सामूहिक रूप से अहमदाबाद लाया गया, जिसके बाद के गुजरात में दंगे भड़क गए। नरोदा पाटिया और नरोदा गांव दोनों एक दूसरे से छुए हुए हैं। नरोदा पाटिया में बाबू बजरंगी नरसंहार के काम में लगा हुआ था, तो नरोदा गांव में जयदीप पटेल लगा हुआ था। कॉल रिकॉर्ड में पाया गया कि जिस दिन नरोदा पाटिया और नरोदा गांव में नरसंहार हुआ, उस दिन डीसीपी गोंडिया और जयदीप पटेल के बीच में 3 फोन पर बात हुई। एक बार सुबह के 11:40 और बाद में फिर 12 के बाद हुई, फिर तीसरी बार 20 के बाद हुई। जब एसआईटी ने पूछा कि क्यों बात हुई, तो डीसीपी गोंडिया इसका जवाब नहीं दे सके। एसआईटी ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में कहा कि ये स्पष्ट है कि गोंडिया विभिन्न वाहनों के चलते गुलबर्ग सोसाइटी नहीं गए, जहां पर कि नरसंहार हो रहा था, जबकि दंगों और हत्याओं के आरोपियों जयदीप पटेल और माया कोडनानी से लगातार संपर्क में थे। ये संदेहजनक है। नरोदा पाटिया मामले में गोंडिया की सीआरपीसी के अंतर्गत आगे जांच होनी चाहिए, यानी उन पर आपराधिक मामला चलना चाहिए। लेकिन जब साल 2012 में एसआईटी अपनी क्लोजर रिपोर्ट जारी करती है, तो इस मामले पर अपने पुराने स्टैंड को ही बदल देती है और कहती है कि क्रिमिनल नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ही बहुत है। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है एसआईटी का, जब उसने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में अधिकारियों की बड़ी गलती पकड़ी और मंत्री का भी बड़ा हाथ पकड़ा, लेकिन सबूतों के अभाव में कहकर छोड़ दिया। एसआईटी खुद अपनी प्राइमरी रिपोर्ट के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट में पलट गई, और ये सब पलटन अधिकतर उन सबूतों से संबंधित थे जो मोदी के इन्वॉल्वमेंट से संबंधित थे। इसलिए गुजरात दंगों के मामले में जांच एजेंसियों की बातें सिवाय गुमराह करने के कुछ और नहीं करती। इसलिए किसी भी रिपोर्ट और खबर को पढ़ने से पहले अपने समाज पर नज़र दौड़ाएं, और उससे पहले उदाहरण लें और अपने कॉमन सेंस से सवालों का हल करें, और किसी और मामले में ये तरीका काम ना आए, लेकिन गुजरात दंगों और गोधरा के मामले में जरूर रिपोर्ट से बेहतर रिजल्ट दे सकता है। नानावती कमीशन राज्य के द्वारा नियुक्त किया गया कमीशन था, इसलिए उसके आए परिणाम अधिकतर नरेंद्र मोदी के फेवर में रहे, क्योंकि जिन्हें गवाह बनाया गया अधिकतर वो लोग थे जिन्हें मोदी के द्वारा प्रमोट किया गया और पोस्ट रिटायरमेंट के फायदे दिए गए। गुजरात दंगों की जांच करने वाले नानावती आयोग ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। आयोग की इस रिपोर्ट पर चौतरफा सवाल उठे। गुजरात दंगों की एक पीड़ित महिला जाकिया जाफरी ने भी आयोग की इस रिपोर्ट के परिणाम से खुद को ठगा हुआ पाया। जाकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी को गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में जिंदा जला दिया गया था, और बाद में गुलबर्ग सोसाइटी नाम से एक अलग केस चला,
जाकिया जाफरी ने एक याचिका डाली कि गुजरात दंगों खासकर गुलबर्ग सोसाइटी नरसार मामले में मोदी की भूमिका की दोबारा से जांच हो, जिसमें कि 69 मुस्लिमों को जिंदा जलाकर या काटकर मार दिया गया था। जाकिया जाफरी की याचिका को पहले लोकल अदालत में इग्नोर किया गया, फिर गुजरात हाईकोर्ट ने भी दोबारा से जाँच करने से इनकार कर दिया, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली और दोबारा से गुलबर्ग सोसाइटी नरसहार और गुजरात दंगों में मोदी और पुलिस प्रशासन की भूमिका की जांच करने के लिए साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया। इस एसआईटी को लीड कर रहे थे सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आरके माधवन और उन्हें सपोर्ट कर रहे थे सीबीआई के ही रिटायर्ड डीआईजी एके मल्होत्रा। एसआईटी की इस टीम ने साल 2010 में अपनी प्राइमरी रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट में एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए कि गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगे हैं वो इस्टेब्लिश नहीं होते। आगे साल 2012 में एसआईटी की टीम ने अपनी दूसरी और फाइनल या कहें कि क्लोजर रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि हमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबूत नहीं मिलते। इसी को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबूत नहीं है और इस तरह बिना किसी एफआईआर, बिना किसी ट्रायल, बिना किसी क्रॉस क्वेश्चन के ही केस को बंद कर दिया गया। जिस तरह राज्य की जांच एजेंसियों का उपयोग और खुफिया एजेंसियों का उपयोग, प्रशासन का उपयोग, राज्य की मशीनरी, नेताओं, भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए किया गया, वैसे ही केंद्र सरकार के नेताओं के द्वारा भी गोधरा कांड को एक दुर्घटना बताकर एक खास धर्म को अपनी तरफ लेने के लिए, उसकी वोट लेने के लिए जाँच प्रक्रिया का या जाँच एजेंसी का उपयोग किया गया। जिस वक्त गोधरा कांड हुआ उस वक्त केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इसलिए वाजपेयी की तरफ से अलग से जांच नहीं की गई। लेकिन जब साल 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी और गठबंधन के साथ ही लालू यादव रेल मंत्री बने, तो सरकार बनते ही रेल मंत्री लालू यादव ने सितंबर 2004 में गोधरा कांड की जांच के लिए रेलवे की एक अलग से जांच समिति गठित की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज यूसी बनर्जी लीड कर रहे थे। उन्हें ये जाँच करनी थी कि गोधरा में साबरमती ट्रेन क्यों जली और कैसे जली। मात्र 4 महीने बाद ही यानी 17 जनवरी 2005 के दिन यूसी बनर्जी कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश कर दी और इस रिपोर्ट में कहा कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई नहीं गई बल्कि एक दुर्घटनावर हुई थी। यूसी बनर्जी कमेटी ने कहा कि इसके पर्याप्त सबूत नहीं मिलते कि ट्रेन में बाहर से आग लगाई गई थी बल्कि अंदर से ही किसी कारण से लगी थी। लेकिन इस जाँच समिति ने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि साबरमती ट्रेन के जिस बोगी में आग लगी थी उस बोगी में जिंदा बचे सर्वाइवर या पीड़ित क्या कहते थे, उन्होंने क्या बताया कि आग कैसे लगी, उस समय मौजूद रेलवे के पुलिसकर्मी क्या कहते थे, जिस दिन आग लगी उस दिन अखबारों ने क्या छापा, क्या लिखा, उसमें क्या बयान छपे, पुलिस ने और पीड़ितों ने क्या बताया था। कुल मिलाकर गोधरा कांड के 2.5 साल बाद जाँच के लिए पहुँची समिति ने बड़ी बेशर्मी के साथ पीड़ितों की तरफ से आंखें नीचे रखी और गोधरा कांड को महज एक दुर्घटना साबित करने में लगी रही। दुर्भाग्य की बात यह भी रही कि रेल मंत्रालय के द्वारा गठित की गई इस समिति ने अपनी रेलवे की ही यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की उस रिपोर्ट का भी ख्याल नहीं रखा जो उसने गोधरा कांड को लेकर दी थी कि एक भीड़ ने पहले पत्थरबाजी की और उसके बाद उस बोगी को आग के हवाले कर दिया। गोधरा मामले पर 3 रिपोर्टों को पढ़ने के बाद सबसे पहले मन में इन तीनों जांच एजेंसियों से भरोसा उठा। गोधरा मामले पर मैंने ठीक उसी दिन की रिपोर्टें पढ़ी जिस दिन गोधरा कांड हुआ और अगले दिन अखबारों ने जो छापा, गवाहों ने जो बयान दिए उनको पढ़ा, उसने गोधरा कांड को समझने में कुछ मदद की। 27 फरवरी के दिन घटी इस घटना के बारे में अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने छापा कि जो लोग इस बोगी में आग से बचे यानी सर्वाइवर, उन्होंने कहा कि पहले ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई और बाद में पेट्रोल से आग लगाई। गोधरा स्टेशन से 1 किलोमीटर आगे सिग्नल फालिया नाम की जगह पर पहले खिड़कियां और गेट तोड़े गए और फिर उस बोगी में आग लगा दी गई। एक पुलिस अफसर ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को बयान दिया कि उस भीड़ में ये अफवाह फैली हुई थी कि साबरमती एक्सप्रेस में सवार कार सेवकों ने दाहोद में एक मस्जिद पर हमला कर दिया। लगभग यही बात उस दिन के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कही गई और इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने यह कहा कि आरपीएफ कमांडेंट ने यानी एसएन पांडे ने कहा कि स्टेशन पर तैनात 15 रेलवे पुलिसकर्मियों को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे और भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन्होंने 4 राउंड फायर की। यही बात एशियन एज नाम के अखबार ने लिखी है और यही बातें गुजराती भाषा के लोकल अखबारों ने भी लिखा है और भीड़ का जिक्र किया है।
लगभग सभी लोकल अखबारों ने ऐसे ही खबरों को छापा है और विक्टिम्स और रेलवे पुलिस कर्मियों के बयानों ने इसकी पुष्टि की है कि उग्र भीड़ ने साबरमती एक्सप्रेस पर हमला किया। हालांकि इस पर बहस होती है कि क्या ये प्लांड था या ये अचानक से हुआ, लेकिन ये सच है कि भीड़ ने यात्रियों पर यह हमला उनके हिंदू होने की वजह से नहीं किया, चूँकि गोधरा स्टेशन पर कार सेवकों ने मुस्लिम दुकानदारों के साथ लड़ाई की थी और इससे पहले पूरे रास्ते त्रिशूल और लाठी रखे हुए ये सैकड़ों कार सेवक गुजरात से अयोध्या जाते समय और आते समय मुस्लिमों को मारते पीटते हुए आए थे। इन खबरों को अयोध्या फैजाबाद में छपने वाले जनमोर्चा अखबार ने भी छापा था और किस तरह कार सेवकों ने यात्रा के दौरान मुस्लिमों पर त्रिशूल से हमले किए, उग्र नारे लगाए, इन सभी बातों को जनमोर्चा अखबार ने छापा था। कई मुस्लिम महिलाओं के बुरके खींचे गए और ये सारी खबरें 25 फरवरी के दिन जनमोर्चा अखबार में छपी थी। इन खबरों को अपनी पिछली वीडियो में यानी गोधरा का सच पार्ट वन में मैंने विस्तार से बताया है। कई खबरें बताती हैं कि गोधरा स्टेशन पर पहुंचने पर भी कार सेवकों ने मुस्लिम दुकानदारों से झगड़ा किया। एक अफवाह ये भी फैली कि कार सेवक एक मुस्लिम लड़की को बोगी में से ले जाना चाहते थे। ये घटना सच है कि झूठ, इसकी पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि ये अफवाह जरूर फैली थी जिसने भीड़ को इतना उग्र कर दिया और कुछ असामाजिक तत्वों ने इसी दौरान बोगी में आग लगा दी जिसमें कि बहुत से निर्दोष लोग मारे गए। कुल जमा कहानी यह है कि धर्मांध कार सेवकों और राम मंदिर की राजनीति आम हिंदुओं के लिए मुसीबत बनी और गोधरा की ट्रेन को जला देने वाले कुछ मुस्लिमों की वजह से हजारों मुसलमानों के लिए मुसीबतें खड़ी हुई। गोधरा कांड शायद ही किसी मुस्लिम संगठन ने इसका स्वागत किया हो, ना ही किसी जांच में पाया गया है कि इसमें कोई मुस्लिम धार्मिक संगठन था या कोई मुस्लिम राजनीतिक संगठन शामिल था, लेकिन गोधरा कांड की इस घटना का सारा दोषी मुसलमानों को ठहरा दिया गया और सारे मुसलमानों को ठहराया गया। गुलबर्ग सोसाइटी में 69 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया, ऐसे ही नरोदा पाटिया में 97 लोगों को जलाकर कुएं में फेंक दिया गया, गर्भवती महिलाओं के पेट से भ्रूण निकाले गए और उन अजन्मी बच्चों को भी मार दिया गया जिन्होंने इस दुनिया में अपना पहला कदम भी नहीं रखा था। न जाने कितनी महिलाओं का सार्वजनिक तौर पर रेप किया गया, फिर रेप करने के बाद जिंदा भी जला दिया गया। गोधरा की कहानी इंसानियत के लिए शर्मसार करने वाली थी, लेकिन बाद में हुए गुजरात दंगों की कहानियाँ अगर एक एक करके सुनाई जाने लगें तो दिल कांप जाए, शर्म से सर झुक जाए और इंसान होने पर भी घृणा हो जाए। ये ऐसे था जैसे कि ए और बी में कोई झगड़ा हुआ और बी ने ए को मार डाला, अब सी को उकसाया जाए कि वो डी की हत्या कर दे। अपराधियों की सजा निर्दोषों को दी गई, जिस एक गलती से इंसानी कौम ने गोधरा में 59 लोगों को गवा दिया, उसी इंसानी कौम ने अपने राज्य को उससे भी बुरे दौर में ढकेल दिया जिसमें कि 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए, अधिकतर इसमें मुस्लिम थे लेकिन हिंदू भी मारे गए। हिंदुओं की संख्या गोधरा कांड में मारे गए लोगों से 4 गुना अधिक थी और मुस्लिम तो इसमें 20 गुना अधिक मारे गए, लेकिन इनमें से कोई एक नहीं था जो अपराधी था, सारे के सारे निर्दोष मारे गए। मरवाने वाले कौन थे ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जैसे राजनीतिक समीकरणों के लिए यूसी बनर्जी का उपयोग केंद्र के द्वारा किया गया, वैसे ही राज्य द्वारा अपनी जांच एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों और सरकारी वकीलों का उपयोग गुजरात दंगों में हजारों निर्दोष मुसलमानों को जला देने वाले हत्यारों को बचाने के लिए किया गया। इंसानियत के हत्यारे कभी हिंदू या मुसलमान नहीं हो सकते। जिस पीड़ा में आज हिंदू जी रहे हैं उसी पीड़ा में मुसलमान भी जी रहे हैं, लेकिन हमारी लाशों पर माया कोडनानी जैसे नेता दोगुने वोट से जीतते हैं और नरेंद्र मोदी जैसे नेता जो दंगे रोकने की जगह दंगों के बीच में टीवी पर आकर कहते हैं कि ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, वो प्रधानमंत्री जैसे पद तक पहुंचते हैं। गुजरात में लाखों घर उजड़ गए, हजारों ने अपनों को खो दिया और एक ही परिवार से 14 लोगों की हत्याएं हुई, पर न्याय नहीं मिला। नानावती आयोग ने बाबू बजरंगी जैसे बजरंग दल के नेता, विश्व हिंदू परिषद के जयदीप पटेल जैसे नेता और मोदी सरकार की माया कोडनानी जैसी मंत्री और पीवी गोंडिया जैसे पुलिस कर्मियों की खुली मिली भगत के बावजूद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और राज्य की सरकार को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद जब SIT की जांच बिठाई गई तो साल 2012 की अपनी क्लोजर रिपोर्ट में SIT ने भी मोदी और प्रशासन को क्लीन चिट दे दी। नानावती आयोग और SIT ने मोदी को क्लीन चिट क्यों दी और क्लीन चिट दी तो उसके तर्क क्या थे? दूसरा सवाल ये कि आखिर वे आरोप और सबूत कौन से थे जिनके बारे में कहा जाता है कि SIT द्वारा इनकी जांच नहीं की गई या इग्नोर कर दिया गया ताकि मोदी और पुलिस प्रशासन और RSS बजरंग दल को क्लीन चिट दे दिया जाए।
इन तमाम सबूतों और एसआईटी के तर्कों पर अपनी अंतिम और पार्ट 3 वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के दोनों एपिसोड में मोदी की भूमिका पर कोई बात नहीं की गई। अगले एपिसोड में मोदी अधिकारियों और मंत्रियों के बारे में बात करेंगे, तथ्यों के साथ बात करेंगे और इस वीडियो में आपका इंतजार रहेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ का जिक्र करते चलता हूँ। एसआईटी की टीम जिसने कि मोदी और बजरंग दल आरएसएस को क्लीन चिट दी, उसे सीबीआई के रिटायर्ड डायरेक्टर आर के माधवन लीड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले। उन्हीं आर के माधवन को मोदी सरकार ने साल 2017 में साइप्रस कंट्री में भारत का हाई कमिश्नर बनाया, जो कि एक तरह से राजदूत का पद होता है। पॉलिटिकल गलियारों में इस नियुक्ति को एक शानदार पोस्ट रिटायरमेंट गिफ्ट या इनाम की तरह देखा गया। और भी 3 अधिकारियों को शानदार रिटायरमेंट पैकेज दिए गए। उन सब पर बात होगी अगली वीडियो में, यानी पार्ट 3 में। तब तक के लिए नमस्कार।